आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले आरसीबी के फिनिशर दिनेश कार्तिक ने 3 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की। 37 साल के कार्तिक को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में मौका दिया गया। यहां भी उन्होंने अपने प्रदर्शन का लोहा मनवाया। ऐसे में कयास लगाए जाने लगे हैं कि कार्तिक को T20 विश्व कप टीम में जगह मिल सकती है। कार्तिक ने 2004 में अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वह लगातार टीम से अंदर से बाहर होते रहे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। कार्तिक अब तक 11 कप्तानों की कप्तानी में खेल चुके हैं। इनमें 10 भारतीय और 1 पाकिस्तानी कैप्टन शामिल हैं। कार्तिक ने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत राहुल द्रविड़ की कप्तानी में की। वहीं उन्होंने वीरेंद्र सहवाग की कप्तानी में T20 डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, सुरेश रैना, ऋषभ पंत और अनिल कुंबले की कप्तानी में भारत के लिए क्रिकेट खेला। आईसीसी 11 की तरफ से खेलते हुए वह पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी की कप्तानी में भी खेले। आयरलैंड दौरे पर कार्तिक हार्दिक की कप्तानी में खेलते नजर आ सकते हैं। दिनेश कार्तिक इस समय शानदार फॉर्म में हैं। उनके बल्लों से लगातार रन निकल रहे हैं। आईपीएल 2022 में उन्होंने आरसीबी को अपने दम पर कई मैच जिताए। कार्तिक ने आईपीएल के 16 मुकाबलों में 5500 की औसत और 183.33 के स्ट्राइक रेट से 330 रन बनाए। उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 66 रन रहा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी कार्तिक ने शानदार बल्लेबाजी की। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।